महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल आने के साथ ही जहां बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनता दिख रहा है। अगर सभी एग्जिट पोल के हिसाब से एक एवरेज अनुमान लगाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 203 सीटें तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को 70 सीटें मिलने की उम्मीद है और विपक्ष का सुपरा साफ होता दिख रहा है। अगर इस एग्जिट पोल का अनुमान 24 अक्टूबर को नतीजों में तब्दील होता है तो दोनों ही राज्यों में फडणवीस और मनोहर राज ही रहेगा। दोनों ही राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में भिड़ते दिखे। महाराष्ट्र में जहां संजय निरुपम पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी के नाक में दम कर दिया था। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया था कि मुंबई में एक दो सीट छोड़कर हर सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पार्टी से नाराज चल रहे थे और चुनाव प्रचार करने के बजाय विदेश चले गए थे। बताया जा रहा था कि दोनों ही राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी के करीबियों को साइडलाइन किए जाने से राहुल गांधी नाराज चल रहे थे, लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले राहुल गांधी लौटे और प्रचार भी किए, लेकिन तब तक कांग्रेस का छींचा लेदर हो चुका था, जिसका भरपाई करना राहुल के लिए मुश्किल था। अब बस 24 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।